नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। विजय पटेल नाम के व्यक्ति का कई मंजिला मकान जिला प्रशासन ने सांकेतिक रूप से तोड़ा। पूरा मकान डायनामाइट से उड़ाने की तैयारी। बता दें कि रीवा के आरटीओ ऑफिस के आगे अकोला बस्ती में आदतन अपराधी विजय पटेल का कई मंजिला मकान प्रशासन ने तोड़ा। विजय पटेल इस समय पास्को एक्ट के चलते फरार है। उसके ऊपर सिटी कोतवाली में 12 से भी अधिक मामले दर्ज है। यही नहीं, उसने नगर निगम से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर गलत जानकारी देकर 2 लाख रुपए भी ले लिए थे। जानकारी मिलते ही प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास के नाम से दी गई राशि वापस लेने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। एक आरोपी है विजय पटेल, पिता इंद्रलाल पटेल, इनके खिलाफ एक थाने में 12 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़, अवैध हथियार, मादक पदार्थों के कार्रवाई, लोगों को धमकी देना, लोगों के घरों में घुसकर बलात् गुंडागिरी करना, नगर निगम के द्वारा ये चिन्हित किया गया है, जिसपे यह कार्रवाई अतिक्रमण गुंडा ध्वस्तीकरण के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। कितने अपराध दर्ज है सर? एक कोतवाली थाना क्षेत्र में 12 अपराध मिले, अन्य थानाओं में और अभी जानकारी ली जा रही है। 12 अपराध कोतवाली के पाए गए हैं और इसमें 354 के भी अपराध हैं, जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़। पास्को एक्ट में फरार है? पास्को एक्ट में वर्तमान में फरार है। और जो मकान बनाया गया है, ये भी इसमें भी मादक पदार्थों का तस्करी संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए? आरोपी वर्तमान में पास्को एक्ट में फरार है।